गुड मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हेलो। हाँ नवीन, देख रही है ना वीडियो? हाँ कौन सा टॉपिक शुरू करें? मार्केटिंग वाला, विपणन मिश्रण, है ना? कोई दूसरा ही पढ़ा दे इसके अलावा तो। बताओ तो कौन सा पढ़े, बता कौन आप सा। बताओ आपको कौन सा सही लग रहा है। तो ये ठीक है, प्रोडक्शन जिसमें 4P वाली कॉन्सेप्ट आती है। 4P अरे कॉन्सेप्ट सर दूसरा पढ़ा दो। अच्छा बता दो। तो दूसरा मेरे को नाम बता दे, कौन सा पढ़ाना है, मैं तो वही पढ़ा दूंगा। जो तू नाम बताएगा वही पढ़ा आप देना। बताओ तो कौन कौन से ज्यादा इंपोर्टेंट है। अभी तो अपना तो रिव्यूजन में तो ये बच रहा है, और एक वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला बच रहा है। उसके बाद में वो है मोटिवेशन वाला है, अभी प्रेरणा। ये 6 का है, नियुक्तिकरण वाला, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ये वाला बच रहा है। नियुक्तिकरण करवा दो। ठीक है, नियुक्तिकरण वाला कर देते हैं। बड़ा चैप्टर है। हाँ, नियुक्तिकरण वाला करवा देते हैं। निकाल ले अपनी कॉपी, शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज अपन अपना इसमें टॉपिक ले रहे हैं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण देखो, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था प्रबंध के कार्य, कि जब एक प्रबंधक जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा संगठन में कौन कौन से कार्यों को पूरा किया जाता है। तो उसके द्वारा जो सबसे पहला कार्य पूरा किया जाता है वो कार्य होता है नियोजन, कि अपने द्वारा संगठन में उसको जो भी काम करने हैं या जो भी काम उसको व्यक्तियों द्वारा करवाए जाने हैं उन सब का वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद में दूसरे नंबर पे जो प्रबंध का कार्य आता है वो आता है संगठन, यानी संसाधनों की व्यवस्था करना, कि उसको अपने द्वारा जो प्लान बनाया गया है उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए कौन कौन से जो साधन हैं वो चाहिए। तो उनमें साधन दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं भौतिक साधन, जैसे भूमि, भवन, मशीनें, कच्चा माल, ये सारे होते हैं भौतिक साधन। दूसरे होते हैं मानवीय साधन, जिसमें वो कर्मचारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, यानी कर्मचारियों की भर्ती करता है, जिसमें योग्य और कुशल कर्मचारी संगठन में नियुक्तिकरण प्रक्रिया के तहत शामिल किए जाते हैं, जिनसे उनको ये पता चले कि जो काम उनके द्वारा संगठन में किए जाने हैं या जो कार्य करवाए जाने हैं वो कार्य किस रूप में पूरे होते हैं और कैसे उनको पूरा किया जाएगा, वो होती है नियुक्तिकरण प्रक्रिया। अब देखो इसमें आज अपन देखेंगे कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया होती क्या है। देखो नियुक्तिकरण का सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि नियुक्तिकरण जो प्रक्रिया है उसका क्या अर्थ होता है। तो संगठन में जितने भी पद रिक्त हुए हैं उन पदों पर योग्य और कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना ही क्या कहा जाता है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी एक ऐसा कार्य है जिसमें संगठन में जितने भी पद रिक्त हुए हैं उनमें से क्या किया जाता है, योग्य और कुशल जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को संगठन में नियुक्तिकरण प्रक्रिया के तहत शामिल किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया एक वो माध्यम है जिसमें क्या किया जाएगा, संगठन में जो पद खाली हुए हैं उन पदों के लिए
कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा या जो जगह खाली हुई है उस जगह को भरना ही नियुक्तिकरण कहा जाता है। अब देखो इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं अलग अलग, जो लेखक हैं या जो प्रबंध शास्त्री हुए हैं उनकी इसमें परिभाषाएं दी गई है कि कौन कौन से प्रबंध शास्त्री द्वारा कौन कौन सी जो परिभाषाएं हैं वो दी गई है। अपन ने अपने जो नोटबुक है उसमें भी परिभाषाएं लिख रखी हैं और आप जो बुक में परिभाषा है वो भी अपने अकॉर्डिंग आप याद करके उनको लिख सकते हो। अब सबसे पहला इसमें जो नियुक्तिकरण में टॉपिक आता है वो आता है इसकी विशेषताएं, कि जो नियुक्तिकरण प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिनकी वजह से नियुक्तिकरण को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो इसमें कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती है अपने को इसमें देखनी है। तो सबसे जो पहली इसकी विशेषता है वो है मानवीय संबंध या मनुष्य से इसका संबंध होता है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में केवल जो मानव श्रम है यानी जो श्रमिक है किसी भी वर्ग के प्रबंधक हैं कर्मचारी हैं उनको क्या किया जाता है इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो नियुक्तिकरण प्रक्रिया है उसकी जो विशेषताएं हैं नियुक्तिकरण की जो विशेषता उसमें पहली विशेषता है कि इसका संबंध किससे होता है मानव से होता है, यानी एक मानवीय प्रक्रिया है। क्योंकि अपन नियुक्तिकरण में किसी भी प्रकार की मशीनों की भर्ती नहीं कर सकते, उनका क्रय कर सकते हैं, भर्ती में केवल मानवीय श्रम को ही शामिल किया जाता है। अन्य किसी भी प्रकार की जो संसाधनों की व्यवस्था है वो संगठन के नाम से शामिल की जाती है न कि नियुक्तिकरण के नाम से। दूसरा पृथक प्रबंध की यह कार्य है क्योंकि नियुक्तिकरण कार्य की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्रबंध किसी जो अपन ने यहां कार्य लिखे थे उनका हिस्सा न होकर इसको एक अलग से प्रबंध किया कार्य माना जाता है। कि जैसे जैसे संगठन का स्टाफ बढ़ता है संगठन का आकार बड़ा होता जाता है उसी के अनुसार उसमें कई जो बड़े संगठन हैं उनमें अलग से नियुक्तिकरण के लिए स्टाफ को नियुक्त किया जाता है। कि अगर संगठन का आकार छोटा है तो अपन प्रबंध कार्य के साथ ही क्या कर सकते हैं नियुक्तिकरण का कार्य भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि संगठन का आकार बड़ा है तो उसमें अलग से ऐसे स्टाफ या ऐसे विभाग की स्थापना की जाती है जिसका कार्य केवल संगठन को कुशल और प्रभावी श्रम शक्ति उपलब्ध कराना होता है, तो उसे नियुक्तिकरण विभाग या भर्ती विभाग के नाम से जाना जाता है। उसका सिर्फ यही कार्य होता है कि वो संगठन में जहां भी जो भी पद खाली होगा उस पद के लिए क्या करेगा कर्मचारियों को नियुक्त करेगा यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा। तीसरा सभी स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी स्तरों पर काम किनके द्वारा पूरा किया जाता है मानवीय कर्मचारियों द्वारा कार्य पूरा किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि संगठन का चाहे कोई भी स्तर हो टॉप लेवल हो मिडल लेवल हो लोअर लेवल हो या प्रबंधकीय वर्ग हो सभी में
कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और कौन से कर्मचारियों की? मानवीय कर्मचारियों की, क्योंकि बिना मानव के कोई भी जो भौतिक साधन है उसको अपन क्या नहीं कर सकते, उपयोग में नहीं ले सकते। तो यही एक केवल ऐसा विभाग, ऐसा डिपार्टमेंट है यानी मानव शक्ति, जो क्या करता है, संगठन के जितने भी साधन है उनको प्रभावी और कुशल बनाता है यानी उपयोगी बनाता है। क्योंकि कोई भी साधन अपने आप में क्रियाशील नहीं होता जब तक उसको किसी मानव द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता। तो संगठन के जितने भी स्तर हैं उनमें मानव की आवश्यकता होती है। पांचवा, सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि तो प्रत्येक जो भी संगठन स्थापित किया जाता है उसके क्या होते हैं, कुछ मानवीय संबंध या मानवीय या सामाजिक अपन कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व है, होते हैं, और उन उत्तरदायित्वों को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी मानी जाती है? संगठन की। अब संगठन की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, और वो उपलब्ध कब करवाएगा? जब वो संगठन में मानवीय कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तो जो उसके सामाजिक उत्तरदायित्व है वो पूरे होंगे। पांचवी, आंतरिक और बाहरी वातावरण का प्रभाव, कि जो मानव कर्मचारी है या मानव शक्ति है उसका संगठन के कार्यों पर आंतरिक और बाहरी, यानी दो तरह के अपने वातावरण पड़े थे, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, दोनों का प्रभाव उस पर पड़ता है। कि जैसे संगठन की नियम है, नीतियां हैं, उनकी प्रमोशन पॉलिसी है, या संगठन में कार्य दशाएं हैं, किस तरह का वहां पे कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता है, कर्मचारी प्रबंधक वर्ग से संतुष्ट है या नहीं है, आदि जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों का प्रभाव किस पर पड़ता है? नियुक्तिकरण के कार्यों पर पड़ता है। क्योंकि संगठन की ख्याति का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? मानवीय कर्मचारियों के द्वारा ही क्या किया जाता है, संगठन की ख्याति का निर्माण भी किया जाता है। यदि कर्मचारी खुश हैं तो संगठन में जितने भी साधन हैं यानी भौतिक साधन, भूमि, भवन, मशीनें, कच्चा माल, उन सब की उपयोगिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये सब अपन ने कहाँ पढ़ा था, अभी प्रेरणा में ये टॉपिक अपना पढ़ा हुआ है। उसके बाद में देखो इसके महत्व है कि क्यों जरूरी है कि संगठन में नियुक्तिकरण का जो कार्य किया जाता है उसका क्या महत्व है, क्या वो उसके लिए जरूरी है, या किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगठन में नियुक्तिकरण के कार्य को पूरा किया जाता है। देखो इसमें पहला जो इसका महत्व का बिंदु है वो है योग्य कर्मचारी खोजने में सहायक। कि संगठन में इससे क्या होते हैं, योग्य कर्मचारी अपने को आसानी से मिल जाते हैं। कि जब तक संगठन को योग्य कर्मचारी और कुशल कर्मचारी प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा, अपने साधनों को उपयोगी नहीं बना पाएगा। क्योंकि यदि कर्मचारी योग्य है तो वो जितने भी साधन उनके द्वारा संगठन में उपयोग में लिए गए हैं या जिन संसाधनों की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है उनको वो क्या कहते हैं, ज्यादा प्रभावी ढंग से उपयोग में लेते हैं, और संगठन की नीतियों, नियमों और उद्देश्यों के अनुसार उस संगठन में कार्यों को पूरा करते हैं। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण है कर्मचारियों को खोजने में नियुक्तिकरण प्रक्रिया है वो सहायक होती है, क्योंकि बिना नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अपन क्या नहीं कर सकते, संगठन में योग्य और कुशल कर्मचारियों को शामिल नहीं कर सकते। दूसरा, उच्च निष्पादन में सहायक। उच्च निष्पादन का मतलब कि जो भी कार्य को दिया गया है निष्पादन का मतलब कि जो भी कार्य उन कर्मचारियों को दिया गया है उस कार्य को वो क्या कर
सके बेहतर तरीके से निष्पादित कर सके। निष्पादित करने का मतलब उसको पूरा करना। अब वो पूरा कब कर पाएंगे, जब उनको वो काम आता होगा, यानी वो कुशल होंगे उस काम की उनको जानकारी होगी किस तरीके से अपने को कार्य को पूरा करना है, तो ही वो क्या कर पाएंगे उस कार्य को बेहतर और प्रभावी ढंग से पूरा कर पाएंगे, अन्यथा तो वो कार्य क्या नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा जो महत्व का बिंदु है वो है संगठन का जीवन काल। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है महत्व का वो है संगठन के जीवन काल और उसके विकास में सहायक। अब संगठन का जीवन काल मतलब वो संगठन कितना चलेगा या कितना लाभ कमाएगा, जिस लाभ के आधार पर क्या होगा उसका विकास हो सकेगा। और विकास कब होता है, जब अपने को संगठन में क्या प्राप्त हो, जीवन काल में लाभों की प्राप्ति हो, तो संगठन में क्या होते हैं अपने को प्रॉफिट होते हैं। और यदि संगठन अल्प काल के लिए ही चल पाता है, यानी उसमें अपन ने योग्य कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया, तो जितने भी अपन ने साधन लगाए थे, भूमि, भवन, मशीनें, कच्चा माल, उन सब की उपयोगिता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी संगठन के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे, उसका जीवन काल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी वो ज्यादा तरक्की और ज्यादा विकास नहीं कर पाएगा। चौथा, जब संगठन लगातार चलता रहता है उसमें विकास होता रहता है, तो क्या होगा कि वहाँ के जो संसाधन हैं, उन्होंने जो भी संसाधन भूमि भवन मशीनें कच्चा माल उनकी व्यवस्था की है, उनका क्या होगा अधिकतम उपयोग हो सकेगा, कि वो अधिकतम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन संसाधनों को काम में लेंगे, उनका उपयोग लेंगे। और ये सब कब होगा, जब वो संगठन में योग्य और कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, नहीं तो जो संसाधन उन्होंने भूमि है, भवन है, मशीनें हैं, कच्चा माल है, उन सब की जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था कोई काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उन कर्मचारियों को उन मशीनों को काम में लेना नहीं आता, जो कच्चा माल लिया है उस कच्चे माल से वस्तुएं तैयार करनी नहीं आती, तो जो संसाधन है उनका अपन उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो उपयोग नहीं अपन कर पाएंगे तो अपने को प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो लाभ नहीं होगा, और लाभ नहीं होगा तो अपना जीवन काल भी क्या हो जाएगा, वापस समाप्ति की ओर चला जाएगा। तो एक प्रक्रिया के रूप में इनको अपने को समझना है कि कैसे नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया के रूप में चलती है, और वास्तव में नियुक्तिकरण को एक प्रक्रिया ही माना जाता है, वो अपन आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे कि किस प्रकार नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद में इसका जो पांचवा महत्व है वो है कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि। और कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि का मतलब कि जब संगठन में संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, कि जो संसाधन अपन ने जुटाए हैं, व्यवस्था की है, यदि हम उनका पूरा उपयोग करते हैं तो काम करने वाला जो कर्मचारी है उसके मनोबल यानी उसके आत्मविश्वास में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, कि उसको पता है कि हाँ मेरे द्वारा किया गया कार्य संगठन के हित में है। तो संगठन का भला होने में ही किसका भला माना जाता है, कर्मचारी का हित संगठन के हित में ही माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया में जब संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, यानी जो संसाधन अपन ने एकत्रित किए हैं उनका अपन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, तो कर्मचारी के मनोबल में भी वृद्धि होती है। उसके बाद में इसमें एक छोटा सा अलग से कई बार एक अलग टॉपिक या बिंदु के तहत को शामिल किया जाता है, जिसे
मानव संसाधन विकास या मानव संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में अपने पूछा जाता है कि एचआरएम से क्या आशय है, या इसका अर्थ पूछते हैं, या इसके चरण पूछते हैं, जो अपन अभी देखेंगे कि इसकी क्या इसके चरण होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या इसका अर्थ होता है। अब तो देखो सबसे पहले है कि उत्पादन, ये मानव संसाधन प्रबंध होता क्या है कि एक जो संगठन है उसमें दो तरह के, इसमें अपने को बताए थे मैंने कि साधन शामिल किए जाते हैं। पहला होता है भूमि, भवन, मशीनें, पूंजी, इनको कहा जाता है भौतिक साधन। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है मानवीय कर्मचारी यानी मानवीय संसाधन, कि जब तक संगठन में योग्य और कुशल मानवीय कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक इनको उपयोगिता नहीं होती। और इसी क्रम में संसाधनों को भी दो भागों में बांटा जाता है। कई बार हमने पूछते हैं कि निष्क्रिय संसाधन कौन से होते हैं और सक्रिय संसाधन कौन से होते हैं। निष्क्रिय तो वो जो मूवेबल नहीं है, यानी जिनका अपना कोई अस्तित्व है नहीं है, अपने आप में यूज टू नहीं होते, जैसे भूमि है, भवन है, मशीनें हैं, कच्चा माल है, इनकी संगठन में कोई उपयोगिता नहीं होती। बिना मानवीय यानी सक्रिय कर्मचारी के बिना ये संसाधन काम नहीं आते। अपन मशीनें लिया है, कच्चा माल लिया है, चाहे कितनी भी अपन ऑटोमेटिक मशीन ले आए, आधुनिक मशीनें ले आए, फिर भी कम से कम एक कर्मचारी तो अपने को चाहिए होगा जो क्या करेगा, उन मशीनों को ऑन और ऑफ करेगा, यानी उनको चालू करने के लिए भी अपने कर्मचारी चाहिएंगे। हो सकता है वो प्रोडक्शन अपने आप कर ले, कच्चा माल अपने आप अपने में काम में ले ले, पैकिंग खुद कर ले, बाकी सारी काम मशीन कर सकते हैं, लेकिन उनको कम से कम शुरू और बंद करने के लिए तो अपने को क्या चाहिएगा, कर्मचारी चाहिए। उनमें यदि कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को पूरा करने के लिए भी क्या चाहिए, मानवीय कर्मचारी अपने पास होना चाहिए। तो देखो इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ एक बार बोलकर कि मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण आदि कार्यों को शामिल किया जाता है। एचआरएम वो प्रक्रिया है जिसमें मानवीय संसाधनों की भर्ती, उनका चयन, उनका विकास और उनके मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इन एचआरएम में वो सारे कार्य किए जाते हैं जो नियुक्तिकरण में किए जाते हैं। अपन कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया को ही एक तरह से क्या कहा जाता है, एचआरएम कहा जाता है, क्योंकि नियुक्तिकरण में भी होता है भर्ती होती है, चयन होता है, प्रशिक्षण होता है, विकास होता है, मोटिवेशन होता है, और वही सारे कार्य किसमें होते हैं, एचआरएम में भी वही सारे कार्य किए जाते हैं जिसमें कर्मचारियों की भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण है, उनके हितों की रक्षा करना है, उनको उसके कार्यों की जानकारी देना है, आदि सारी बातें भी एचआरएम में शामिल की जाती है। उसके बाद में देखो एचआरएम का विकास, इनका जो एचआरएम नाम का जो कार्य हमने देखा है कि वास्तव में एचआरएम होता क्या है, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, तो इसमें तीन अपने सिलेबस में चरण दिए गए हैं। पहला है श्रम कल्याण चरण, पहला हिस्सा है श्रम कल्याण चरण, कि इसमें जो छोटे स्तर के जो व्यवसायी हैं उनमें श्रम संघों का निर्माण किया गया, कि धीरे धीरे जब उससे क्या बनते गए कि जैसे जैसे संगठन बढ़ते गए, संगठनों का आकार बढ़ता गया, उनमें जो प्रबंधक और जो कर्मचारी वर्ग था उनके बीच में मनमुटाव बढ़ने लगा, कि कर्मचारी तो जाते थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और भौतिक जो वेतन है यानी नकद जो वेतन है वो मिले, बेहतर सुविधाएं मिले, और प्रबंधक वर्ग में ये सोच थी कि कैसे अपन ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों से कार्य
करवा सकते हैं कम से कम उनको बेनिफिट देते हुए, यानी कम से कम उनको लाभ मिले और ज्यादा से ज्यादा वो काम करें। तो इसका जो मन मुटाव था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, कर्मचारियों की बातों को मालिकों ने सुनना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे एक ऐसे विभाग या ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई जो प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को क्या करे, कम करे। और इसके लिए एक संपर्क माध्यम स्थापित किया गया जिसमें एक ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे संघ की नियुक्ति की गई, एक ऐसी एसोसिएशन बनाई गई जो कर्मचारियों की बात मालिकों तक और मालिकों की बात कर्मचारियों तक सीधे रूप में पहुंचा सके, जिससे उनसे जुड़ी जितनी भी बातें हैं उनका समाधान हो सके और किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो, कर्मचारियों यानी जो मानव श्रम है उसका शोषण नहीं हो, उनको वो सारी बेहतर कार्य दशाएं और सुविधाएं प्राप्त हो जो उनके लिए संगठन में प्राप्त होनी चाहिए, कि जो नेसेसरी है वो कम से कम उनको संगठन में मिलना चाहिए। तो उसे नाम दिया गया सर्व कल्याण, क्योंकि श्रमिकों का बेनिफिट होना कि उनका किसी तरह से कैसे शोषण नहीं होना। दूसरा तो उसका विभाग है, उसे नाम दिया गया सेवी वर्गीय विभाग। या सेवी वर्गीय चरण का इसे नाम दिया गया। इसमें उन संगठनों को फायदा हुआ जिनका आकार बड़ा था, कि जैसे मान लो जियो कंपनी है या टाटा ग्रुप है या बिड़ला है या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें इस तरह के जो विभाग हैं यानी सेवी वर्गीय जो विभाग हैं उनकी स्थापना सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन संगठनों में लाखों हजारों कर्मचारी एक साथ काम करते हैं, तो इनमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरे वर्ष भर चलती रहती है। क्योंकि मान लो रिलायंस कंपनी है उसमें कर्मचारी आते रहते हैं जाते रहते हैं, बिड़ला है, टाटा ग्रुप है, उनमें लाखों कर्मचारी हैं जो आते हैं जाते हैं, रोज नए नए इनके संगठन खुलते रहते हैं, इनमें कर्मचारियों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अलग से विभाग बना दिया, एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया और उस डिपार्टमेंट का क्या नाम दे दिया गया, सेवी वर्गीय विभाग। ने इसका काम फिक्स कर दिया कि पूरे देश में जहां भी कर्मचारियों की आवश्यकता हो उससे जुड़ी आवश्यकता हो ये क्या करते हैं, पूरे करते हैं। और उनके काम फिक्स कर दिए कि इनको क्या काम करना है, कर्मचारियों की भर्ती चयन प्रशिक्षण और उनको काम पर लगाना, यानी कहीं भी जगह खाली हो तो सेवी वर्गीय विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, कर्मचारियों की व्यवस्था करे। किस माध्यम से व्यवस्था करते हैं वो विभाग पर छोड़ दिया गया कि वो अपने तरीके से क्या करे, कार्यों को पूरा करे। और तीसरा है मानव संसाधन प्रशिक्षण, यानी खुद एआरएम कोई भी क्या किया गया इसमें शामिल किया गया, अब किया क्या गया वो देखो कि जैसे जैसे व्यवसाय का विकास बढ़ता गया कर्मचारियों के कार्य करने की जो तकनीक है या जो पद्धति है उनमें बदलाव होता गया, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होने लगा और मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो पुरानी तकनीकें थी उनको अपने को ड्रॉप आउट करना पड़ा और जो नई तकनीकें थी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, कि अपन पुराने के साथ कार्य कर सकते थे, अपने कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए संगठन को लाभ की स्थिति तक नहीं पहुंचा सकते थे। इसके लिए क्या किया गया, एचआरएम की ये व्यवस्था की गई कि जो कर्मचारी संगठन में है उनको ही क्या किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए आधुनिक तकनीक के अनुसार कि वो क्या कर सके, अपने कार्यों को पूरा कर सके, जिससे उनमें व्यक्तिगत रूप से कार्य गुणों का विकास हो सके। तीन तरह के इसमें चरण बांटे गए हैं, पहला सर्व कल्याण चरण, दूसरा सेवी वर्गीय चरण और तीसरा एचआरएम यानी मानव संसाधन विकास।
कि जो मानवीय संसाधन है उसका विकास करना, और उसका विकास करने का जब उसको नई नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से बदलते हुए वातावरण को क्या कर सकते हैं, अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अब कल जब अपन अपनी क्लास करेंगे तो इसमें देखेंगे नियुक्तिकरण प्रक्रिया क्या होती है, कि किस तरीके से संगठन में नियुक्तिकरण के कार्य को पूरा किया जाता है। आज अपन अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक्स।